हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डोरा केक, लेकिन इंडियन स्टाइल में। डोरेमोन का फेवरेट डोरा केक और बच्चों का भी फेवरेट है डोरा केक, और इसे बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी चुटकियों में इसे बना लेंगे। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आएंगे। इसे आप बर्थडे पार्टीज में भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बनाते ही चुटकियों में खत्म भी हो जाते हैं ये, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। तो देखते हैं हमारी आज की नई रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बोल के ऊपर मैंने एक छन्नी रख लिया है और अब हम इसमें एक कप मैदा डालेंगे और इसे छान लेंगे। केक बनाने के लिए हमें उसमें यूज़ किए जाने वाले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेना ज़रूरी होता है, ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। तो सारा ही मैदा हमारा छन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे हाफ कप पीसी हुई चीनी। डोरा केक बनाने के लिए हमें पीसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करना है, तो अब हम इस चीनी को भी अच्छे से छान लेंगे। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमारी चीनी छन गई है, इसके अंदर हम अब डाल देंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर अगर नहीं आपके पास तो आप कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे डोरा केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देंगे और साथ ही हम 1/4 टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और फिर से इसे हम छान लेंगे। अब हम इसका बैटर बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल यूज़ किया है और सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम मेल्टेड बटर डाल देंगे 2 टेबलस्पून जितना। आप इसमें बटर की जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप वेनिला एसेंस डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बैटर बनाने के लिए अब हम इसमें मिल्क डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिक्स करते जाएंगे। सारा ही मिल्क एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छे से इसे मिक्स करते जाए और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करें। देखिए इस तरह से बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, लेकिन थोड़ा थिक। इससे क्या है कि हमारे डोरा केक थोड़े से थिक बनेंगे, ज़्यादा पतले नहीं बनाने हैं हमें। इसके अंदर टोटल हाफ कप मिल्क यूज़ हुआ है, बाकी सारा बच गया है। अब गैस पे मैंने कढ़ाई रख ली है, इसकी जगह आप नॉनस्टिक पैन या तवा भी रख सकते हैं, लेकिन नॉनस्टिक होना चाहिए वो। अब इसके ऊपर हम घी या बटर लगा लेंगे हल्का सा, और इस तरह से मैंने एक गोल चम्मच ले लिया है जिससे हमारे सारे पैन केक एक साइज़ के बने, छोटे या मोटे ना बने। तो इस बैटर को हम कढ़ाई में पोर कर देंगे इस तरह से। चम्मच को हमें एक ही जगह पे रख के पोर करना है, फैलाना नहीं है चारों तरफ, ये अपने आप अपना शेप ले लेगा और इस तरह से गोल शेप में आ जाएगा। इसके ऊपर अब हम ढक्कन लगा लेंगे और 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे पकने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इसे हम पलट लेंगे। तो देखिए ऊपर कैसे अच्छे से बबल्स आ गए हैं और एक साइड से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको ढक के दूसरी साइड से पकने देंगे। 40 से 50 सेकंड में ये दूसरी तरफ से भी सिक जाएगा। देखिए अच्छे से सिक गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसी तरह से हम दूसरा पैनकेक बना लेंगे। बस एक गोल चम्मच हमें पोर करना है बैटर को और वही सेम साइज में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से फैल गया है ये। अब हम इसे ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए मीडियम आंच में पकने देंगे। जैसे ही ये पक जाएगा इसके ऊपर बबल आने शुरू हो जाएंगे। अब हम इसे ढक्कन खोल के पलट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से ये सिक गया है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब दूसरी साइड से भी हम ढक के पका लेंगे इसे। तो 40 से 50 सेकंड हो गया, अब हम ढक्कन हटा के इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे
और इसी तरह से हम बाकी के सारे पैनकेक तैयार कर लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये पैनकेक तैयार हो जाते हैं। आप अगर बिगनर्स हैं तो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो ये पैनकेक भी हमारा तैयार हो चुका है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम डोरा केक के बीच में लगाने के लिए चॉकलेट स्प्रेड तैयार कर लेंगे। आपके पास अगर न्यूटेला या हेजलनट स्प्रेड है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम बिस्किट से तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर के 2 पैकेट बिस्किट के यूज़ कर रही हूँ, छोटे वाले, और इसे मिक्सी के जार में डाल के हम इसका बारीक सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए तैयार हो चुका है हमारा पाउडर, इसे हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप चाहे तो ओरियो बिस्किट का भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसे बॉल में निकाल लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिला के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। 2 से 3 टेबल स्पून ही मिल्क हमें इसमें मिलाना है, ज्यादा पतला नहीं करना है हमें इसे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए तैयार है हमारा स्मूथ पेस्ट, इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए पेस्ट। तो चलिए इसे हम डोरा केक पे स्प्रेड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 कप मैदे से हमने टोटल 8 पैनकेक बना लिए हैं। अब इनके ऊपर हमने जो स्प्रेड तैयार किया है वो लगा लेंगे। इस तरह से बटर नाइफ की हेल्प से हम इसे चारों तरफ फैला लेंगे। तो आप भी इस तरह से 2 मिनट में बस चॉकलेट स्प्रेड तैयार कर सकते हैं मेरी तरह जुगाड़ करके। चॉकलेट स्प्रेड हमने अच्छे से लगा लिया है, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी बादाम की कतरन डाल देंगे, इनसे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा रिच लगेगा। इसके ऊपर हम दूसरा पैनकेक रख लेंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा डोरा केक, इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये हमारा केक। तो देखा आपने कितना आसान है डोरा केक बनाना, तो आप भी जरूर बनाइए इसे घर पे, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे हम थोड़ा चॉकलेट सिरप से गार्निश कर लेंगे, इससे इसका लुक एकदम मार्केट से लाए हो ऐसा लगेगा। थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, आप चाहे तो फ्रूट्स भी इस पे कट करके डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।